प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार से हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने भी उम्मीदें जताते हुए जनता के हित में काम करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार मेडिकल कॉलेज जरूर खोलेगी, लेकिन जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की तैनाती भी करे ताकि जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने प्रदेश की नई सरकार से उम्मीद जताई है कि नई सरकार मेडिकल कॉलेजों को खोले, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती की जानी चाहिए ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि सरकार की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की, ना कि धनाधन जो है मेडिकल कॉलेज खोलने से। हम इसके बिल्कुल विरोध नहीं है कि मेडिकल कॉलेज ना खोले जाए, मेडिकल कॉलेज खोले जाए, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे जो मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उन पे जो डॉक्टरों की जो संख्या है वो पूर्ण होनी चाहिए ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी और लंबी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। तो हमारा यही सरकार से विनम्र निवेदन रहता है कि हम पहले अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजबूत करें, और मेडिकल कॉलेज तो सरकार जहाँ चाहे खोले, लेकिन उसके लिए पहले डॉक्टर्स होना बहुत ही आवश्यक है। जिला हॉस्पिटल गौरतलब है कि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के बावजूद भी कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी हैं, और इसके चलते ही हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से मांग की है कि मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ साथ डॉक्टरों की अस्पताल में तैनाती भी की जाए।